सुबह सुबह में कांड हो गया, 2 लीटर दूध फटके पनीर बन गया। अभी उसका पनीर बनाने जा रही हूँ। क्या करूँ, अभी पनीर भी कौन खाएगा वो भी देखना है, क्योंकि ना उसके पापा खा सकते हैं ना डीजे खा सकती है। मैं तो खा सकती हूँ। हाँ, तू पनीर खा सकती है। हाँ ठीक है, तो चलेगा। लेकिन अभी ये 2 लीटर दूध का इतना पनीर होगा, देख। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। कितनी है ये फटना तो क्योंकि कल मैं गई थी, आपको पता है कल हम लोग का फंक्शन था, तो कल मैं गई थी बाहर और दूध आया था और हमारे डीजे मैडम ने दूध को रख दिया था फ्रीज में बगैर गर्म किए बगैर। तो मैंने अभी निकाला और गर्म करने गई तो पता चला ये हालत है भाई हमारे दूध की। चलो फिलहाल पनीर बनाने जाते हैं। अभी रहे हो कल्पना जी? चौलाई भाजी साफ कर रही हूँ। आज फिर से चौलाई है। आज हमारा जादू बीमार हो गया है, जादू को लूज मोशन हो गए हैं, तो उसको लेके डॉक्टर के पास जाना है। और फिलहाल हमारी कार है नहीं, आपको तो पता है हम लोग ने कार सर्विस में दी है क्योंकि हमारी कार थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उसकी वजह से ऑटो वाले से बात की है मैंने। अभी ऑटो वाला आ रहा है तो हम लोग का नाश्ता बाकी है। नाश्ते में मैं पोहा बना रही हूँ और भाजी रख देती हूँ और दाल मैंने लगा दी है, आके फिर उसको तड़का दे दूँगी। तो फिलहाल अभी जाना है डॉक्टर के पास, उसके बाद फिर आके तुरंत जाना है, मानव का रिजल्ट है आज, मानव का रिजल्ट लेने के लिए जाना है। तो आज तो बहुत भागदौड़ होने वाली है। तो फ्रेंड्स आज तो मानव का रिजल्ट है, वो लेने जाना है, लेकिन उससे पहले अभी रिक्शा आ रही है तो जादू को लेके डॉक्टर के पास जाना है, उधर से आके फिर मानव का रिजल्ट लेने के लिए जाना है। तो आज मैंने अभी भाजी बना दी है और दाल बॉईल कर ली है, आके राइस तो शायद सीखा रख देगी और दाल का तड़का देना बाकी है, वो मैं आके कर लूँगी। तो यहाँ से दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मैं हूँ कल्पना और आप देख रहे हैं कल्पना सोलंकी ब्लॉग। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए भरत भाई आ चुके हैं रिक्शा लेके और हमारा जादू अंदर बैठ रहा है रिक्शे के अंदर और हम लोग भी जा रहे हैं अभी। ये देखो हमारा जादू, जादू जादू क्या जा रहा है, जादू क्या जा रहा है, जादू बाबू हम। ये देखो यहाँ से भाग रहा है, उसको पता है नहीं जाना है मानो। चलो जादू भाग रहा है, देखो उसको पता चल गया यहाँ पे क्या क्या करने के लिए आए। चलो जादू आ जाओ, कम ऑन। उचकी लाओ बेटा, है ना उचकी लाओ, अरे खाली बे पग उचड़े। चल जादू चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो बच्चा अंदर चलो। उचकी ले, उचकी ले। એટલે માનવને લાવવું જરૂરી છે।
चलो जादू जादू चलो पूरे डे में ऊपर रहने वाला है रिलैक्स करो मत कौन आ यहां આ એનો કાર્ડ છે તમે લાસ્ટ ટાઈમ અમે આવેલા ને ત્યારે નહીં હતો અત્યારે મંગાવી લીધો જાદુ એને એમ કે ઇન્જેક્શન મારે ને અહીંયા હા એટલે એને લાસ્ટ ટાઈમ ટીક અહીંયાથી અટકી ગયો અહીંયા જોયું ને કે આવી ગઈ જગ્યા એટલે અટકી ગયો આવતો કે કામ દે જારે એક હોય કામ કઈ દેજો પાછે સોય લાગે તો એને એને છે ને માનો તું બેસેલો હતો ને તેમ જ કરજે એટલે શાંતિથી એને આપી દે ઇન્જેક્શન રેડી કરી દીધા હે જાદુ કે લિયે ખસેડી દે આખો બેટા બસ 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 પાઈ નથી દીધો दोनों माँ बेटे आ गए हैं रिजल्ट लेने के लिए स्कूल में। अभी ऊपर जा रहे हैं क्लासरूम में आ चुके हैं सब पेरेंट्स लोग के साथ। अभी रिजल्ट देंगे सर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने सुबह में पनीर बना के मतलब पनीर फाड़ के रखा था, तो इतना मस्त पनीर बन गया है। देखो घर का पनीर मस्त है ना, सॉफ्ट भी है, मस्त है एकदम। काट के एक डब्बे में रख के फ्रिज में रख देती क्योंकि आज तो बनाना नहीं, आज तो मग मसाला बना रही हूँ मैं, मूंग मसाला वही बनाने जा रही हूँ आज तो, और कुछ खास नहीं है आज क्योंकि शाम को थोड़ा लाइट ही खाए तो अच्छा है ऐसे। तो फ्रेंड्स आज तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मार्केट से आए, मार्केट गए थे क्योंकि मार्केट में हम लोग को थोड़ा काम था, तो काम की वजह से हम लोग को थोड़ा लेट हो गया। जादू मत ऐसा करो बेटा, उधर बैठ जाओ। नो जादू, नो बच्चा, नो 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 नो। तो वहाँ पे ना हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, फिर आके खाना बनाया। तो खाने में तो आज मैंने सिंपल ही बनाया है मूंग की सब्जी मसाला, मूंग मसाला, क्योंकि इनको मूंग खाने को बोला है तो मूंग मसाला बनाया, जवारी का रोटला बनाया, रोटी बच्चे लोग के लिए बनाई और प्याज काटा, बस यही किया है। और आज तो जादू की तबीयत खराब थी सुबह में, मतलब सुबह हम लोग उठे तभी उसको बहुत, मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा था बहुत लूज हो गया है, और उसको लूज मोशन हो गए थे रात से, फिर उसको फीवर भी था तो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया और दवाई दी, तो अभी ठीक है, अभी मस्त खेल रहा है, खाना भी खाया उसने, अभी मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया कि अभी वो ठीक है। बहुत टेंशन आ गया था, उसकी वजह से आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको कुछ होता है ना तो हम लोग सब टेंशन में आ जाते हैं। हमारा छोटा सा बच्चा है ना, वो आपको तो पता है हम उसे कितना प्यार करते हैं। तो अभी फ़िलहाल 9:15 बज चुके हैं और आज खाना थोड़ा हमारा लेट हो चुका है क्योंकि बाहर मार्केट में काम था तो उसकी वजह से जाना पड़ा, तो बहुत लेट हो गया आज, तो उसकी वजह से अब भी खाना खा रहे हैं 9:15। तो खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बजे हैं 12:05 कम। मेरी दोनों बहनें और उनकी दोनों बेटियां आई थी तो बहुत मस्ती की, मजे किए, बहुत दिनों के बाद मिले, शांति से बैठे,
तो 12 कहाँ बज गए पता ही नहीं चला। अभी जस्ट गए वो लोग, हम लोग बाहर छोड़ के आए, तो अभी तो 12 बजे है, तो हमें भी नींद आ रही है। खाना वाना हमारा सब हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो फ्रेंड्स आज तुमसे ना हो पाएगा।